शान बी क्राफ्ट में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? आज हम एक पुरानी मूर्ति को बिल्कुल नया जैसा बनाएंगे। पहले हमने साफ सफाई कर लिया है, अब हम बिल्कुल लाल कलर को पहले साड़ियों में करेंगे। ध्यान से कीजिएगा, कहीं कलर बह के नीचे ना गिरे। हर एक हिस्से में ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। रेड कलर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको दो तीन कोट आप करेंगे। अब बनाए फेस कलर। फेस कलर बनाने के लिए सबसे पहले व्हाइट कलर को लीजिए, लगभग दो ढक्कन। उसके ऊपर हम लगभग एक ढक्कन या उससे थोड़ा कम येलो कलर उसमें डालेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट, तीनों को मिक्स करेंगे और लगभग स्किन कलर बन जाएगा, जो आप स्क्रीन वीडियो में देख ही सकते हैं। इस कलर को हम पूरे बॉडी पे, बॉडी के हर हिस्से पे पहले लगा लेंगे। आप इसको लगभग दो तीन कोट कर सकते हैं, जिससे कि मूर्ति का कलर जल्दी नहीं जाएगा। और ध्यान से लगाइएगा, ये देखिए। फिर हमने किया शेर का कलर। शेर का कलर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा येलो कलर में थोड़ा सा वाइट और उसमें थोड़ा सा रेड मिक्स कीजिएगा, और बिल्कुल रेड से भी बहुत कम ब्लैक कलर उसमें मिक्स करके आप बना लीजिएगा। फिर हम ब्लाउज के कलर में आएंगे। ये है ब्लू कलर और वाइट कलर के मिक्स से बना हुआ है, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं मुकुट और जितने भी औजार हैं उनमें। इस पर हम करेंगे प्योर गोल्डन कलर, प्लास्टिक पेंट है ये। ध्यान से, ताकि हाथों में या दूसरी जगह पे ना हो पाए। अब शेर को हमने ये सेकंड कोट कर रहे हैं, इसीलिए ताकि उसको शेड भी किया जा सके। अब देखिएगा, हमने ये देखो वाइट कलर से हम शेड कर रहे हैं साइड से, ताकि इस कलर, ताकि शेर थोड़ा और ओरिजिनल लग सके। आप देखिएगा, पहले से ज़्यादा कलर इन्हेंस हो गया है। अब हमने किया है शेर के बालों का कलर, जो ब्राउन सा लग रहा होगा आपको। इसको बनाने के लिए रेड कलर की ज़्यादा मात्रा लेंगे, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा और ब्लैक कलर लगाएंगे, ब्लैक कलर मिक्स करेंगे तो कुछ ऐसा कलर बन जाएगा। अब रेड कलर से नाखून और हाथ की लकीरें, लिप्स, ये सब बनाएंगे। जो भी बनाएंगे बिल्कुल केयरफुली, ताकि कलर बिगड़े ना, क्योंकि फिर बिगड़ेगा तो उसको ठीक करने में और टाइम लग जाता है। ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए आपको थोड़ा तेज लग रहा होगा, जबकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे ध्यान से आप बनाइए। पैरों में डिजाइन आप कोई सा भी सोच सकते हो। ये फूल का कलर हो गया। अब हम ब्लैक हिस्से को, जो जो हिस्सा रह गया है यानी कि बालों का कलर, उसको बनाएंगे। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि बाकी कलर जब सूख जाए उसके बाद ही ये कलर कीजिएगा। ये कलर पूरा सूख चुका है, उसके बाद ही मैं ये ब्लैक कलर कर रहा हूँ। मैं बनाऊंगा आंखें। आंखों में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाइएगा, ध्यान से बिल्कुल बारीक काम। ये जो नीचे वाली लाइन आप दी आंखों की होती है बनाते समय, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये जो नीचे वाली लाइन मैंने बनाया है, उसको थोड़ा धुंधला करने के लिए केरोसिन ऑयल या तारपीन तेल, इसको बिल्कुल हल्के ब्रश से लीजिएगा
और उस कलर के साइड से थोड़ा सा ब्रश से लगा दीजिएगा और फिर सूखे ब्रश से घिसिएगा ताकि वो आँखों में ये जो शेड्स अपन ये आ जाए और आँखों के अंदर जो पुतलियों में जो वाइट कलर से दिख रहे हैं वो वाइट कलर का शेड है और ये पलके हैं थोड़ा, ये आप ज़्यादा ध्यान से बनाइएगा ताकि ये बिगड़े ना। ये आँखों के ऊपर थोड़ा सा शेड और वो होगा, बिंदी छोटा बनाइएगा ताकि वो और ज़्यादा क्यूट लगे। अब ये साड़ी का बॉर्डर, ब्लाउज का बॉर्डर, इसका जो आउटलाइन है वो हो रहा है, जो मेन बेस कलर है वो हो रहा है, वो है सिल्वर कलर। ये सभी ऑयल कलर ही है। अब आप देख सकते हैं ये मुकुट में और बाकी सभी जितने भी औजार है वो सब में डिजाइन हुआ, शुरुआत मुकुट से है। ये ब्लू कलर इसीलिए लगाया जा रहा है इसमें क्योंकि गोल्डन कलर में ब्लू कलर जब मिक्स होगा यानी कि जो ये डिज़ाइन बनेगा ये थोड़ा और खिल के आएगा। इस पर भी डिज़ाइन होना बाकी है, ये तो मान लीजिए बेस कलर है। जैसे इसमें ब्लैक कलर का शेड आ जाएगा उसमें ये कलर और निखर के आएगा। ये देखिए ये प्रोसेस सब आप धीरे धीरे कीजिएगा। आप चाहे तो दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं या दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, लेकिन सभी का आउटलाइन ज़रूर बनाइएगा क्योंकि आउटलाइन से उस जो उसके अंदर का कलर है वो थोड़ा और निखर के आता है। आप देख सकते हैं ये मैंने अभी दूसरा कलर यूज़ किया उसी मुकुट में ताकि एक जैसा ना लगे, थोड़ा सा और इम्प्रूव लगे कलर पे। ये जैसा मुकुट पहले का बना हुआ था उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन पे कलर किया हुआ। ये देखिए वाइट कलर से ये जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो गया है। और लेफ्ट साइड पे करेंगे ये ऊपर ये तलवार है और जो नीचे है वो धनुष और तीर है। ये पत्थर से बना हुआ है इसीलिए इसमें कटिंग नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको कलर से ही करेंगे। डिज़ाइन को धीरे 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 उभारते हैं और सेम ही थीम रखिएगा सभी कलर में। जैसे मैंने देखी ब्लू कलर और रेड कलर यही का इसी चीज़ का थीम रखा हुआ है, सब में आउटलाइन हो रखा है। ये देखिए अंदर वाइट वाइट सा हो रखा है, सेम थीम का है। अभी शेर को बाकी कलर करना बाकी है। अभी शेर का जो फेस है वो और इम्प्रूवमेंट होगा ताकि और ओरिजिनल जैसा लगे। ये जो पुतलियाँ है वो हम नीचे से बनाएंगे ताकि शेर गुस्से में लगे। जैसे आप माता के आँखों को देखिएगा उसमें जो पुतली है वो ऊपर से बना हुआ है, उससे वो शांत स्वभाव मतलब बिल्कुल शांत रूप में दिखते हैं। जैसे ये देखिए अब ब्लाउज का जो बॉर्डर है वो बनेगा तथा साड़ी का जो बॉर्डर है वो देखिए उसमें डिज़ाइन हो रहा है। व्हाइट कलर बहुत दूर से भी दिख जाता है इसीलिए हम व्हाइट कलर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। व्हाइट कलर में जैसे कोई डार्क कलर हम डालेंगे वो व्हाइट कलर थोड़ा और खिल के आ जाता है। ये देखिए व्हाइट कलर के साथ ब्लैक कलर ही सबसे ज़्यादा डार्क होता है। ये थोड़ा डॉट इसीलिए कि वो थोड़ा और नज़र में आए। ये देखिए लगभग हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसका बेस जो है उसको हम हरा कलर से कर रहे हैं जो कि थोड़ा घास का इफेक्ट देगा। अब जो ये साड़ी है उसको हम गोल्डन कलर से ये थ्री डॉट बनाएंगे, उसके बीच में भी हम वाइट कलर से डॉट देंगे ताकि फूल और थोड़ा खिल के आए।
आप देख सकते हैं मूर्ति पहले से बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। बाकी आप कि आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।